खरीदे जिसे हम लोग बना रहे। तो रमजान के महीने आप लोग नहीं बना पाए इस वजह से के टाइम नहीं मिला, ड्यूटी थी, ड्यूटी से फिर आके हम तार नहीं करते उसके बाद सोच लिया थी इस वजह से लोग नहीं बना पाए। आज ईद का दिन है, मैंने सोचा है एक लोग छोटा सा शेयर की जाए आपसे। तो अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। चलो अब मैं स्टार्ट करते हैं आज ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आपका भाई रेडी हो के तैयार हो गया, फिर का के जाने रहा गवा हो गया। कोशिश की छोटी छोटी क्लिप बनाए, लेकिन आपको पता है ये मजबूरी है, ईद का में या नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो कैमरा और मोबाइल फ़ोन बंद किया जाता है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के टाइम डिस्टर्बेंस होती है। तो इस वजह से फिर भी आपके भाई कोशिश करके छोटे छोटे क्लिपें आपके लिए बना के लाया। फिर हम घर पहुँचे, घर पहुँचते ही हमने देखा कि हमारे सामने ठाकुर साहब ऐसे खड़े हुए हैं, यानी आसन खड़ा हुआ है। मैंने पूछा कि आसन कपड़े कहाँ है, आपने पहने नहीं, आसन कह रहा है अभी कपड़े नहीं पहने हुए फोटो गया हूँ। मैंने पूछा उसे सो रहा है, उसन कह रहा था कल जिद कर रहा था रात में कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है। तो मैंने कहा कि आप उठते हैं तो फिर मैं आपको ले जाके जाऊँ, लेकिन जमात सो रहे हैं इस टाइम। सो फाइनली हम लोग नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ी और आपको पता है कि अलाउड नहीं होता है, बाकी कोशिश करते हैं आपके पास जुड़ते रहे। सलमान लाली को ना भी आई तो मान लेते हैं। ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरा बड़ा सबसे बड़ा, ये मेरे सलमान भाई है, तो ये सलमान भाई है, एक और भाई है ताहिर, ये हसन हुसैन के पापा वाले साहब, उसको कहते हैं सलमान भाई। सलमान भाई व्यूअर्स को क्या कह रहे हो, अस्सलाम वालेकुम, तू व्यूअर्स को क्या कह रहे हो? अरे मुबारक, ईद के दिन में क्या करना चाहिए? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैमरा है ऐसे फोटो भेज आए बोल भाई, ईद
कैसा लगा कस्टम, और ईद का दिन कैसा है, कैसी बोल रहा है ईद का दिन? हाय हाय, इतना सुकून। और क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स को? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, ईद उल फितर जो है ना, पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो, और जो है ना बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज के दिन खास तौर पर सबसे पहले हम अपने मालूम को याद करें, क्योंकि आज का दिन जो है ना ऐसा दिन है कि सबसे पहले हमें अपने मालूम जो आज हमारे बीच नहीं है, सही है, आज हमारे इर्द गिर्द नहीं है, सबसे पहले हम उन्हें याद करें, अपने मरूमी को याद करें, कब्रिस्तान जाए, सही है, उस दिन को याद करें, दुआ पाती करें उनके लिए, सही है। तो आज का दिन जो है ना खुशी का दिन है, हमें सबको याद करना चाहिए। और आप लोग ने कष्ट उठाया अभी इसके बाद ऐसा ही है गोल भाई, अभी हम पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, तो लिहाजा फिर आगे नाश्ता वाश्ता करेंगे, क्योंकि फिर अभी मौसम भी थोड़ा सा वही है ना, इतना गर्मी नहीं है, अभी जब निकलेंगे वहाँ पे जाके दादी से बापू से चचा से सबसे मिलके, उसके बाद फिर जब आएंगे फिर नाश्ता करेंगे छोटा नानी से नानी अच्छा, उससे भी ये दादी भाई डालमिया में और वाल साहब का डालमिया में, तो वहाँ जाते हैं डालमिया में निकल गए। जानवर
फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट कब्रिस्तान में। जैसे कि आप और दुआएं पड़ी और जितने भी मरूमी इस दुनिया से फरमाएँ तो उनके सब के लिए दुआएं की जितने भी हैं अल्लाह ताला मकबूल उत्तर प्रदेश में अल्लाह मकबूल अता फरमाए। और इसी तरह फिर मैं और गुल भाई चलते हैं पानी के लिए वहाँ से कैन उठाया और अलम से वहाँ जैसे मस्जिद पर बनाया इधर से लिया ताकि पानी बंदोबस्त किया ताकि पानी चढ़ाव करें और साफ किया हमने। फिर गुलाब वगैरह उधर पत्तियाँ डाली फिर दुआ की पहले खबर साफ किया तो मेरे वाले साहब तो मेरे वाले साहब देखो खबर तस्वीर था यानी कि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि कवर आपको दिखाऊं। कवर का मकसद ये था कि आप लोग भी मेरे वाले साहब के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला मेरे वाले साहब को जो है चक्कर समय आला मकाम अता फरमाए। और इनके अलावा मेरे वाले साहब के अलावा भी और भी मरहूमीन हैं सबको अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सब के लिए दुआ करें। मैंने भी जैसे ही दुआ की है और सब के लिए मैंने भी दुआ की है या अल्लाह सबको बख्श दे और जितने भी जिसके भी वालिद साहब सलामत हैं अल्लाह ताला उनको इसी तरह सलामत रखें और उनको ऐसे ही उनके ऊपर रखें क्योंकि अल्लाह ताला जितने भी वालिद और वालिदैन हैं उनका साया हमेशा अपने बच्चों के ऊपर कायम और दायम रखें क्योंकि इसी तरह अल्लाह ताला सबको सबके जितने भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत कर फरमाए तो उनको ये मेरे दादी का खबर है मुबारक है और वो मेरे चाचू का है। उस चाचू इंतकाल कर गए थे छोटे थे तो वो है ये मेरे कज़न के बेटे का खबर है वो भी इंतकाल कर गए थे उनके लिए भी दुआएं पढ़ी और मग़फ़िरत की दुआएं पढ़ी ताकि अल्लाह ताला उनको भी बख्श दे। और इसी तरह अब फिर इसके बाद दुआएं पढ़ी उन्होंने अल्लाह ताला उनको भी जन्नत और फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जितने भी मरहूमी इस दुनिया से जा रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और अल्लाह ताला सबको जन्नत और फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला सब की गुनाहें माफ़ करें। तो हम लोगों ने दुआएं पढ़ के फिर वापस आलम की तरफ से फिर रवा दवा हो गए अपने घर पे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पहले ना नलके थे आसानी होती थी यहाँ से हम लोग पानी भरते थे फिर अबू के कब्र और दादी के कब्र में जाते थे। अब यहाँ से ख़त्म किया है फिर हम अपने घर के तरफ जा रहे हैं। हम घर पहुँच गए तो कब्रिस्तान जाने का मकसद ये है कि अपने मरहूमी का दुआ पाटिया जाए और आ गए हमारे पास। हमने सेवैयाँ पहले कस्टर्ड खाया था अब सेवैयाँ खाएंगे। चीज बढ़िया है अच्छा हम लोग आ गए हैं और ये किससे मिलाते हैं मोहम्मद हुसैन अभी नींद से उठा है मोहम्मद हुसैन
कब्रिस्तान में आजकल आज जो है ना रश भी बहुत है। पहला दिन है ना तो कार वाले आ रहे हैं, बाइक वाले आ रहे हैं। पहला दिन है ना आज रश बहुत है, कल से फिर रश कम होगा। किसी को पता भी नहीं हो पानी का तो वो खुआर हो जाएगा, वो परेशानी होगी। तो जो आएगा उसको पता नहीं है, परेशान होगा। अब ये कि वहीं से भी हम लोगों ने भी पूछ पूछ के बताया कि भी वहाँ पे बंदों से पूछो कि पानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पानी उस साइड पर है। तो हम लोग भी वहीं पे गए, परेशानी हम लोगों को भी हुई है। शुक्र है डिब्बा मिल गया, इतना इतना शुक्र है डिब्बा मिल गया, वरना डिब्बा नहीं मिलता तो और खुआरी होती और परेशानी होती। वहाँ तो डिब्बे की भी छोटी थी अभी। सही कह रहे हो आप, तो थे मेरे सामने। देखो डिब्बा डिब्बा लेते वक्त क्या बोले थे, डिब्बा दोबारा ले आओ। देखा भी डिब्बा ले आएंगे, डिब्बा हम खाएंगे थोड़ी। मसला ये था कि पहले पानी का ना वहाँ आलम के तरफ जो कब्र मुबारक है ना अबू का, वहाँ भी था में भी पानी था, और इस तरफ भी आलम के बराबर में भी पानी था। अभी नहीं अभी एक हैंड पंप था वो भी खत्म कर दिया। जाते रहते हैं ना आलम के तरफ पानी था, उस तरफ मस्जिद था, उस तरफ पानी था, अब इस तरफ है। बाकी अब ना हम लोग गए हैं एक जगह टैंक बनाया है, उधर समर लगा है, उधर ही पानी आता है। वो अगर के ऑन करें उसको फिर भर जाता है टैंक। अगर के वो टैंक खाली हो गया ना तो वहाँ फुहार हो जाए। तो लिहाजा आप जितने भी इंतजामिया है कब्रिस्तान के, वो ज्यादा लिहाजा कब्रिस्तान में तो पानी ज्यादा इंतजाम करें ईद के दिनों में जब कोई लोग अपने प्यारों के कब्र मुबारक में आते हैं, हाजिरी देते हैं, पानी
छिड़काव करते हैं या कब्र मुबारक को साफ करते हैं, उसके लिए पानी तो होना चाहिए। लिहाजा ये तो ज़रूरी चीज़ है, इसको इंतज़ामी को करना चाहिए कि वो इंतज़ाम करें। और लिहाजा हमारा नाश्ता भी आ गया है, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पहले जाके दुआ पातिया करते हैं, उसके बाद हम अपना नाश्ता करते हैं। अभी आगे नाश्ता करने हैं, उसके बाद अब सब लोग। मोहम्मद हुसैन मुझे ये बताओ, मोहम्मद हुसैन आप मुझे ये बताओ, किससे पूछ रहे हो? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ आज क्या है? आज क्या है? रमजान नहीं है आज, कह रहे रमजान है, रमजान नहीं है, रमजान क्या है? ईद, ईद, ईद। तो व्यूवर्स को कहो ईद मुबारक करो, जैसे कि हमारा मुझसे मिले हो, ईद मुबारक मिलो, जोर से कहो। अरे कहना क्या चाहते हो बाबा जी? मोबाइल बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, कपड़े पहनो ईद की, और यह है आपकी ईदी। मामा हुजूर भाई जमा कर रहा है, उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद गार्डन जाओगे, गार्डन जाएगा ये। ईद के ईद में हम लोगों ने प्लान किया था कि कहीं जाएंगे। और मोहम्मद हुसैन का एक चीज, मोहम्मद हुसैन ने रिजल्ट आया है मोहम्मद हुसैन का, सही है? वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलो हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो? मौज ही मौज है भाई, आप क्या कर रहे हो हुसैन? ठीक ठीक, मौज ही मौज है भाई, ईदी भी मिली है, चीज भी मिला है भाई। हुसैन और हसन को किसने दिए चीची? किसने दिए चीची? किसने दिए? दादा अबू ने। दादा अबू कैसे हो? ठीक है, बात तो सही है। अच्छा, सेवैया कह रहा है दादा अबू, दादा अबू लेके आए इनके लिए चीची, और ये घड़ी है, चश्मा है हुसैन का। हसन अपना चश्मा दिखाओ, पहनो 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 चश्मा, चश्मा पहनो, चश्मा चश्मा कितना भूल गया, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो। और हसन को देगा, हाँ भाई वाह। और समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक और भी सरप्राइज है, अभी वो सेंट का एक और सरप्राइज है, आप वीडियो में बताया था। पक्का है? आई आई ऊपर कौन सा है बताओ? अच्छा गाइस, आपको मैं ये कह रहा था कि हुसैन अभी पास हुआ है, रिजल्ट आया है हुसैन का, हुसैन का रिजल्ट आया है, हुसैन आया है A1, A1 A+1, सही है। और लेकिन इसके रिजल्ट आप देख सकते हो, सही है।
अभी इसने हासिल किए थे 224, जैसे कि 225 से लेकर 224 लिए मार्क्स और 99% माशाल्लाह हुसैन। हाँ, इस तरह से मेहनत करो, अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? पास आउट हुआ है? हाँ पास हुआ है। मैंने क्या आपको कहा था? पास हो गए तो मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, सही है। और इसका मिड टर्म का भी जो है, ये फाइनल टर्म के रिजल्ट मैंने दिखाए थे, मिड टर्म की भी रिजल्ट माशाल्लाह से हुसैन के अच्छे हैं। और हुसैन के जो पेपर्स हैं वो भी है आपके सामने। हुसैन ने माशाल्लाह से इसी तरह से मेहनत किया तो हुसैन पास हुआ है। बहरहाल हुसैन इंशाल्लाह अभी घूमने जाएंगे। कब दिखाना अपने व्यूअर्स को? दिखाओ। देखो मोहम्मद हुसैन ने स्टेट नेशनल एकेडमी में, इधर इधर आओ, इधर आओ हुसैन, घर आएगा ना, इधर आओ, इधर दिखाओ, ऐसे ऐसे कप दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे दिखाओ। देखा, मोहम्मद हुसैन पास हुआ है। व्यूअर्स, आप क्या कहना चाहते हो मोहम्मद हुसैन के लिए? और मोहम्मद हुसैन क्या कहोगे? केक खाओगे? आपको केक खाना है? दीदी भी लिया है, अभी केक खाना है। केक खाओगे या अभी चॉकलेट खाओगे? क्या खाओगे? चॉकलेट या केक? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आ गया क्या? यानी क्या ये कह रहे हैं चॉकलेट और केक एक साथ खाऊंगा मैं? अरे मोहम्मद हुसैन बहुत चालाक है, बहुत चालाक बंदा है। आप बोलो दादा अबू, बहुत चालाक हो गया है ना मोहम्मद हुसैन? मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं खिलाऊंगा। चॉकलेट खाओगे? अच्छा चॉकलेट केक खाओगे? चलो चॉकलेट केक खिलाएंगे इंशाल्लाह। दादी ने भी दिया है। और दीदी अभी इंशाल्लाह आपके पास होने की खुशी में हम लोग केक आपको खिलाएंगे, चॉकलेट वाला। ये अम्मी को दे दो, अम्मी रखेगी। चले अब चले काका के पास, दीदी ले लो। आ जाओ हुसैन, हसन आ जाओ। नमाज बू, हाँ काका अब्बा, हसन हुसैन आए हैं आपके लिए। क्या कह रहे हो हसन हुसैन, बताओ? ईदी, ईदी कह रहे हैं, ईदी दो। बाद में मिलेगा, बाद में। सबसे बड़ी ईदी ली है इसने, अपनी ईदी सबसे ली है। नहीं पहले ईद शुरू तो होने, ईद शुरू है, ईद शुरू होने दो। ईद शुरू नहीं है, बोलो। ओ ईद ही तो है, बाद में दोगे? लाख का अगर नोट है उसको खुला करेंगे वो तब देंगे। बना रहे हो या अब? लाख का नोट है उसको। अरे भाई, अरे भाई,
जल्दी दो दो बच्चों को, बच्चे खुश हो जाएंगे। पड़ेगा नहीं नहीं डाल ऐसा नहीं, आप आप हजारों में से नीचे हो। अरे भाई लाख का नोट है बाद में। अरे लाख के नहीं, आप चिल्लड़े दे दो बाद में देंगे यार। चलो भाई काका अब्बा कह रहे हैं बाद में देंगे। तो ये रहा ईद का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग पसंद आए होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारी फैमिली को अब सब आप लोग ऐसी तरह प्यार दें। और हुसैन क्या कहना चाहते हैं? मैं टोटला। हाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ तुम आप सोच क्या बोला तूने? सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो मेरे भाई बच्चा? पता नहीं। नहीं सोचो, नहीं सोचो, सही है? सही है। नहीं सोचो केक वाला पापा और केक चॉकलेट वाला केक भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। सही है? सही है। नहीं सोचो। ओके अपने गाइस को क्या कहोगे? लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब और आज भी करना। इसी तरह हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए छोटे छोटे व्लॉग बनाते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।